अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। और वादे के मुताबिक हमारी ऐसी शैगी हेयर कट की वीडियो रह गई थी हमारे कोर्स के अंदर। दिस इज़ द लास्ट क्लास इन दिस कोर्स। तो हम लोग जो है वो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इनके बालों को अच्छे से कॉम कर चुकी हूँ और इनके तमाम हेयर्स को अच्छे से वेट कर चुकी हूँ। और अब मैं ये फर्स्ट स्टेप कर रही हूँ इस शैगी कटिंग के अंदर। हमें टोटल जो है वो बैक साइड पे 9 पार्ट्स बनाने हैं, 9 स्क्वायर बनाने हैं, ठीक है। और फ्रंट पे हमें 4 स्क्वायर चाहिए होंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है ये पार्टिंग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि मैं प्रॉपर जो है वो बालों को जो है स्क्वेयरिंग कर रही हूँ, ठीक है। इनके बॉक्स बना रही हूँ। तो पहले हमें इसके ये मैंने फर्स्ट जो रो ली थी उसके मैं उसके अंदर मैं स्क्वायर बना चुकी हूँ और ये हमारी गाइडलाइन हो गई है। अब इसी के हिसाब से हम जो है अपने सेकंड रो के अंदर जो है मज़ीद 3 बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट 2 रोज के अंदर प्रॉपर जो है वो बॉक्स बनेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं कि अब बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट हमें अपने फर्स्ट बॉक्सेस बनाने के बाद अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अब हम ये अपना 4th बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। और ये अब हम सेंटर पे अगेन बॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया है और अब ये हमारा लास्ट बॉक्स है सेकंड रो के अंदर। और सारे बालों को मैं अच्छी तरह से जो है वो क्लिप करती जा रही हूँ ताकि जो है वो फर्स्ट जो है वो आपको इसकी जो है बॉक्सिंग ही मेन है। जब हम इसकी बॉक्सिंग कर लेंगे तो देन जो है वो हमारी कटिंग जो है वो जल्दी हो जाएगी। फर्स्ट जो है वो बालों के अंदर जो है वो प्रॉपर जो है उनकी गाइडलाइन के साथ जो है वो बॉक्सिंग होना ज़रूरी है ताकि जो है वो हम जब कटिंग करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो आप जो है ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो बॉक्सिंग्स बन रहे हैं। 6 बॉक्स में बना चुकी हूँ, ये 6 बॉक्स हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर बॉक्सेस बन रहे हैं। और अब जो है मैं बैक साइड के लिए अपनी यानी ये सेमी क्राउन से क्राउन पे आ गई हूँ और अब हम जो है ये बैक साइड के लास्ट 3 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और देन जो फ्रंट है वो ईयर टू ईयर हमने पार्टिंग सेपरेट कर दी है, ठीक है। प्रोफाइल पार्ट लेके वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। और ये देखिए, ये अब हम जो है वो अपने फ्रंट यानी क्राउन एरिया पे जो है वो हम ले रहे हैं, अपनी पार्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है जो हमारे क्राउन एरिया है इसमें हमारे जो है ईयर टू ईयर वाली साइड पे जो है वो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। आप खुद देखेंगे, अभी मैं आप लोगों को शो भी कर दूँगी कि किस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स के अंदर अब ये हमारा नीचे जो है हमारे 6 बॉक्सेस बने हैं स्क्वायर में और ऊपर वाली जो क्राउन एरिया पे जो हमने ड्रॉ किए हैं बॉक्स उसमें हमारा सेंटर में प्रॉपर बॉक्स बना है, ठीक है। और जो राइट और लेफ्ट साइड में ईयर साइड है यानी राइट ईयर साइड और लेफ्ट ईयर साइड पे हमारे ट्राइंगल्स बनी हैं। ये हमारे बाल अब अच्छी तरह से जो है वो कैचर हो चुके हैं और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और अब हम जो है वो फ्रंट पार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने प्रोफाइल पार्ट निकाल लिया, ठीक है। और अब मैं सेंटर में से जो है वो वर्टिकल जो है वो ले रही हूँ। अपना फर्स्ट बॉक्स मैंने ले लिया है, इसी तरह अब मैं सेकंड बॉक्स बना रही हूँ, ठीक है। और इट्स अप टू यू कि आप इसे फ्रंट से 4 बॉक्सेस में कट करते हैं या आप इसको जो है वो आगे से लेयर लेते हैं, ठीक है। अब ये मैं अपनी फ्रंट जो है वो गाइडलाइन ले चुकी हूँ और ठीक है, अब जो है मैं अपनी हमने सबसे पहले फ्रंट पे अपनी क्लाइंट से पूछ लेना है कि उसे बालों की कितनी लेंथ चाहिए, उसके हिसाब से हमने फर्स्ट जो है वो पार्टिंग कर लेनी है। और देन फिर हमने अपने फर्स्ट बॉक्स को लेकर अपने लास्ट बॉक्स के साथ उसी गाइडलाइन के साथ कटिंग करनी है, ठीक है। हमने सेंटर जो पार्टिंग की है उसको भी नहीं खोलना है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट खुलेगा, ठीक है। उसकी गाइडलाइन ली जाएगी और उस गाइडलाइन के साथ जो है वो फिर हमारे जो सबसे ऊपर क्राउन एरिया पे हमने बॉक्सेस लिए हैं उनकी कटिंग होगी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि अभी सेंटर पार्टिंग नहीं खोली है मैंने, मैं फ़र्स्ट पार्ट खोल रही हूँ, फर्स्ट रो में फर्स्ट बॉक्स खोल के उसकी गाइडलाइन दे रही हूँ और देन फिर मैं ऊपर वाले पार्ट्स को ओपन कर रही हूँ और देन मैंने स्ट्रेट कट लिया है नीचे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने फर्स्ट पार्ट को, ये देखिए जो अनबैलेंस बाल थे उनको मैंने बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब मैंने अपना जो है सेकंड रो वाले बॉक्स को ओपन किया है और अपना जो फर्स्ट बॉक्स था यानी फर्स्ट रो में जो बॉक्स था उसके साथ बालों को स्ट्रेट ऊपर लेके गई हूँ और अपनी
गाइडलाइन जो हमारी कट चुकी हुई है फ्रंट से, उससे हमने ये देखी, ये मैंने कट कर दिया स्ट्रेट कट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे भी अगर आप लाके करेंगे तो भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इसमें स्टेप्स आएंगे, इस मैसी शैगी कट के अंदर जो है वो बालों के अंदर एक लेंथ नहीं होती है, ये मैसी होता है इसीलिए क्योंकि इसमें बाल जो है अप एंड डाउन वर्ड्स होते हैं, यानी इक्वल नहीं आते हैं, एक लाइन में कटिंग नहीं होती है, ठीक है, बाल अप डाउन्स होते हैं। बहुत सारे कट्स जो हैं बहुत ऊपर नीचे आते हैं और बहुत सा मैसी हेयर कट बनता है, इसीलिए इसका नाम हमने शैगी कट रखा है क्योंकि इसमें मैसी हेयर्स होते हैं, बहुत सारे कट्स आते हैं, बहुत सारे जो है वो एक कोई एक लाइन में कट नहीं होता है, ठीक है। ये अब मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने हेयर्स को जो है वो, और अब जो है मैं अपने सेकंड बॉक्स को ले रही हूँ और देन मैं उसको स्ट्रेट ऊपर लेके गई हूँ और अपनी गाइडलाइन मैंने बना ली है। ये मैं राइट साइड में से जो बाल कट कर चुकी हूँ उनको साथ ले लिया है ताकि जो है वो हमारी गाइडलाइन आ जाए, यानी हमने जो राइट साइड में कटिंग की है उन बालों की लेंथ से हमें अपनी सेंटर की पार्टिंग की करते हुए गाइडलाइन लेनी है ताकि हमें पता चले कि हमें एक्चुअल कितनी लेंथ काटनी है बालों की। ये देखिए, ये मैंने साथ साथ जो है राइट पे जो कटिंग की हुई थी उससे मेरे पास जो है गाइडलाइन आई है और मैंने उन बालों की कटिंग कर ली है, ठीक है। ये मैं इनको ऊपर से स्ट्रेट भी कर सकती थी बट वो आई थिंक सो आपको शायद नज़र नहीं आता, दैट्स व्हाई मैंने उनको ऊपर से स्ट्रेट करके नीचे कटिंग कर ली। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे कितने सारे कट्स बालों के अंदर आ गए हैं, बाल अभी बैठे हैं, इंशाल्लाह ड्राई होते ही आप लोगों को नज़र आएंगे, लेकिन अभी भी आपको काफ़ी नुमाया इसके अंदर बालों की जो है वो कटिंग नज़र आ रही होगी। अब हम अपनी थर्ड जो है वो रो में आ जाएंगे, यानी गाइडलाइन हम लोग ले चुके हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट जो अपने रो है उसके बॉक्सेस को वन बाय वन ओपन करना है और सबसे ऊपर क्राउन पे जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं उसके साथ कटिंग करनी है, ठीक है, वो हमारी गाइडलाइन बन जाएगी। देन हमने अपने ऊपर वाली क्राउन एरिया के हेयर्स को छोड़ना नहीं है, उसी के साथ जो है वो लेके हमने अपने सेकंड वाले जो रो है उसको ओपन करते जाना है और वन बाय वन करके जो कटिंग वाले हेयर्स हैं उनको गाइडलाइन बनानी है और साथ मिलाते हुए कटिंग करते जाना है। ये आप लोग देख सकते हैं कि बाल कितने ज़बरदस्त अप एंड डाउन्स में काट आया है, अभी बाल बैठे हैं और जैसे ही ड्राई होंगे तो मज़ीद कट जो है वो इन्हेंस होना शुरू हो जाएगा। अब इसी तरह हमने फ्रंट के हेयर्स पे आ जाना है, देखिए कितनी जल्दी हुई है, जब हम लोग पार्टिंग कर लेते हैं तो फिर हमें कटिंग करने में मसला नहीं होता। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं इसी तरह वर्टिकल हेयर्स ले रही हूँ इक्वली, जिस हिस्से की पार्टिंग मैं आगे से फ्रंट कर रही हूँ वहीं से मैंने वर्टिकल हेयर्स लिए हैं बैक साइड के, ताकि जो है हमें गाइडलाइन लेने में परेशानी ना हो। ये मैं बैक साइड से पार्टिंग कर चुकी हूँ, ठीक है, और मैं अब उसकी गाइडलाइन लेके फ्रंट से कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, और अभी जब मैं कट लूँगी तो आपको बहुत ही नमाया कटिंग नज़र आएगी, ठीक है। ये अब हमारे बालों का फर्स्ट स्टेप कर चुका है, अब मैंने उन बालों को नहीं छोड़ा है, इसी के साथ मैं अपनी गाइडलाइन लेते हुए अपने ऊपर वाले जो बॉक्स है उसको लूँगी और साथ ऊपर के हेयर्स का गाइडलाइन लूँगी, यानी ऊपर जो बॉक्स के बिल्कुल बैक साइड पे हेयर्स हैं उनके गाइडलाइन को उठाऊँगी साथ में। और मैं ये देखिए, ये मैंने बैक से हेयर्स को गाइडलाइन के तौर पर उठाया, ये देखिए, और अब मैं एक बार अगेन कॉम करूँगी ताकि बालों के अंदर जो है वो कुछ भी मैस ना हो और हमारे हेयर्स जो हैं वो प्रॉपरली हमारे सामने आ जाए कि हमें कितनी शेप लेनी है और कितनी लेंथ लेनी है। तो अभी जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो आपको नुमाया कट जो है वो नज़र आएगा कि हमें कितने बाल काटने हैं और क्या कटिंग आ रही है, बहुत ही खूबसूरत कटिंग आती है। ये देखिए, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर लेके गई हूँ, ठीक है, मैं बैक से गाइडलाइन ले चुकी हुई हूँ और बार बार कॉम करने का मकसद यही है कि हमारे बाल जो हैं वो एग्जैक्ट मेरे हाथ में आ जाएं और हमें प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से कटिंग मिल जाए, ठीक है। ये देखिए, आप अगर क्लाइंट के हेयर्स जो हैं वो ड्यूरिंग कटिंग जो है वो ड्राई हो जाते हैं तो अगेन उनको वेट कर सकते हैं, ठीक है। और
ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कट लिया है। ये बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लिया है मैंने, और ये देखिए, और जब मैं अभी बाल छोड़ूंगी तो आपको बहुत ही खूबसूरत और नुमाया कटिंग नज़र आएगी। ये देखिए कितने सारे कट्स जो हैं वो फ्रंट पे आ गए हैं। ये देखिए, तो ये शेक कट होता है जिसके अंदर कट जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, हेयर्स जो हैं वो जो है मैसी होते हैं और कट्स बहुत सारे हो रहे होते हैं, बहुत सारे कटिंग जो है वो बालों के अंदर नुमाया हो रही होती है। ये आप लोगों को भी नज़र आ रहे होंगे कि कितने खूबसूरत कट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, और अभी जब मैं उनका फ्रंट हेयर लूँगी और फ्रंट से कटिंग करूँगी तो फिर आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरत लुक आती है। आई होप सो कि बहुत इजी कटिंग है ये शैगी कटिंग भी, ठीक है। आपने जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके क्लाइंट ने कितनी जो है लेंथ रखनी है बालों की, तो फर्स्ट गाइडलाइन लेने के बाद जो है वो हमें सारी हेयर्स जो है वो आसानी से करना होते हैं। ये देखिए, अब मैं सेकंड साइड पे यानी अपनी राइट साइड वाले हेयर्स पे आ गई हूँ और मैं बैक से गाइडलाइन उठा लेती हूँ वर्टिकली हेयर्स जो है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी जो है वो हमें गाइडलाइन मिल गई है, और ये मैं ये देखिए मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कट किया है, और ये देखिए बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है, ठीक है। आई थिंक सो हमारा अब ये हम लोग बिल्कुल फ्रंट के कटिंग पे आ गए हैं। बिल्कुल अब आगे जो है वो मैं फ्रंट पे लेयर ले रही हूँ, यानी फ्रंट पे आप जो है वो लेयर उस तरह ले लीजिए। देखिए, ये मैंने इनकी नोज़ की लेंथ पे रख के जो है वो बालों की लेयर्स ली हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसको सी या वी बना के और राउंड शेप में ला के जो है वो कट करते हैं तो भी उसमें लेयर आ जाती है, या फिर अगर आप बिल्कुल सीधी तरीके से जैसे मैं ले रही हूँ सेंटर पार्टिंग करके राइट से मैंने वी शेप में हेयर्स लिए हैं, ठीक है, और उसमें मैंने फिंगर्स को स्लांट रखते हुए कटिंग की है। ये देखिए ये, और मैं तिरछा जो है उसको दूसरी आँख की तरफ लेके आई हूँ, ठीक है, और ये मैं अब कट कर रही हूँ। ये देखिए, मैं स्लांट कटिंग कर रही हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई भी पॉइंट स्किप ना किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कटिंग कैसे हो रही है और कुछ भी मिस ना हो। और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स का मुझे रिस्पॉन्स मिलता है कि उन्होंने कटिंग की है और उनके क्लाइंट्स उनसे बहुत खुश होकर गए हैं और उन्हें भी वैसे एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स मिले हैं जैसे कि उन्होंने सिखाई। अब आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त मेसी लुक आया है शेक कटिंग के अंदर, और ये फ्रंट देखिए, फ्रंट से भी बाल कितने ज़बरदस्त आ रहे हैं, और ये प्रॉपरली सारा जो है बालों में शैगी कट आ गया है, और हम फाइनली कामयाबी से जो है वो अपनी शैग मैसी शैग कट ले चुके हैं, और जो है वो हमारी जो क्लाइंट हैं बड़ी खुश हैं, और जो है वो आई होप सो कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, कटिंग देखने के लिए और मज़ीद क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो उसके लिए जो है वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये हैं बहुत खूबसूरत सा मैसी शैगी हेयर। थैंक यू, थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हेयर कलरिंग की क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।